तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टोट बैग्स की, यानी कि ओवर साइज एंड लार्ज बैग्स की, कि हमें कौन से बैग्स हैं जिनमें इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए ऐसे बैग्स को खरीदते वक्त। तो मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने एक टोट बैग लिया है और उसके बाद वो आपके ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा या वो बिल्कुल भी आपके काम नहीं आया। जब भी आपने उसे कैरी किया तो आपने उसके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं फील किया और इसीलिए वो आपके वार्डरोब में पीछे और पीछे होता चला गया। तो अगर आप ध्यान देंगी उन बातों पर जो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर, तो ऐसी पुअर इन्वेस्टमेंट आप आगे से बिल्कुल नहीं करेंगी। अगर फैशन थ्योरी की बात करें तो टोट बैग्स वो बैग्स होते हैं जो शॉपिंग के लिए यूज किए जाते हैं और वो रीयूजेबल होते हैं, लेकिन आजकल टोट बैग्स बहुत ज्यादा फैंसी हो गए हैं और वर्कवेयर के लिए बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो जितने भी आप टोट बैग्स देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, उन्हें मैंने अमेजोन से मंगाया है और सारे ही बैग्स जो हैं काफी अप्रोप्रिएट हैं, क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। योर बॉडी फ्रेम, और मैं यहां पर बॉडी शेप की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूं कि आपका पिया बॉडी शेप है या एप्पल बॉडी शेप है, मैं यहां पर बात कर रही हूं बॉडी फ्रेम की। आपको हमेशा टोट बैग्स अपने बॉडी फ्रेम के अकॉर्डिंग खरीदने चाहिए। तीन किस्म के बॉडी फ्रेम्स हैं जो कि होते हैं ज्यादातर। एक तो होता है लार्ज बॉडी फ्रेम, जिसमें आपकी हाइट बहुत ज्यादा है, आपके शोल्डर्स भी ब्रॉड हैं और आप ओवरऑल एक लार्ज बॉडी फ्रेम के हैं। दूसरा बॉडी फ्रेम है मीडियम बॉडी फ्रेम, जिसमें आपकी हाइट जो है एक नॉर्मल हाइट है और नॉर्मल ही आपका बॉडी फ्रेम है। और तीसरा है स्मॉल बॉडी फ्रेम, जिसमें आपकी जो हाइट है वो भी बिलो एवरेज से कम है और आप काफी ज्यादा पतली भी हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आप किस बॉडी फ्रेम में जो है आती हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको टोट बैग के साइज को जो है सिलेक्ट करना है। तो आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आपका लार्ज बॉडी फ्रेम है तो बड़े टोट बैग्स में, अगर आपका मीडियम बॉडी फ्रेम है तो मीडियम साइज के टोट बैग्स में, और अगर आपका स्मॉल बॉडी फ्रेम है तो बहुत ज्यादा बड़े टोट बैग्स में इन्वेस्ट आपको नहीं करना है। कलर ऑफ दी टोट बैग, जी हाँ बिल्कुल आपको ध्यान देना चाहिए कलर्स पर टोट बैग को खरीदते वक्त। अगर आप वर्कवेयर के लिए टोट बैग को खरीद रही हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हमेशा न्यूट्रल कलर्स के टोट बैग्स में इन्वेस्ट करें, या आप कुछ प्रिंटेड टोट बैग्स में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। ऐसे टोट बैग्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे वर्कवेयर के लिए, लेकिन अगर आप हाउसवाइफ हैं या आप घर से ही काम करती हैं और आप किटी पार्टीज को अटेंड करती हैं, फैमिली लंच के लिए जाती हैं, तो आप कुछ डिफरेंट कलर्स को भी ट्राई कर सकती हैं न्यूट्रल्स को ड्रॉप करके, और वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेंगे आपकी आउटफिट्स को। बेस ऑफ द टोट बैग, और बेस से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि आपके जो हैंडबैग है उसका बेस यानी कि तला जो है वो कैसा है, वो काफी ढीला ढाला है या वो हार्ड है। अगर आप वर्कवेयर के लिए यूज करती हैं टोट बैग्स को तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप थोड़े हार्ड किस्म के टोट बैग्स में इन्वेस्ट करें, वो आपको ज्यादा स्मार्ट लुक देंगे। लेकिन अगर आप टोट बैग्स को यूज करती हैं शॉपिंग के लिए तो आप लूज किस्म के बेस में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, और खासकर ट्रैवलिंग में टोट बैग्स बहुत काम आते हैं, तो जो लूज किस्म का बेस होता है वो ट्रैवलिंग के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। डिटेलिंग्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो आपका टोट बैग है उसमें मेटल के कौन से कलर को यूज किया गया है, हैंडल्स में, जिप में, या कोई भी बटन्स उसके ऊपर लगे हुए हैं तो कौन सा कलर है मेटल का जो उसमें यूज किया गया है। अगर आप सिल्वर कलर की एक्सेसरीज ज्यादा इस्तेमाल करती हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके टोट बैग में जो डिटेलिंग हो वो सिल्वर कलर के मेटल से हो, और या अगर आप गोल्ड कलर की ज्वेलरी ज्यादा पहनती हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके हैंडबैग में गोल्ड कलर की डिटेलिंग हो। लेकिन कुछ टोट बैग्स ऐसे होते हैं जिनमें ऊपर जिप नहीं होती है, वो खुले हुए होते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे टोट बैग्स में इन्वेस्ट करना पसंद करती हैं जिसमें कि जिप हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिप को कम से कम 5 to 6 टाइम्स चलाकर देखें अगर आप उसे ऑफलाइन परचेज कर रही हैं, और अगर ऑनलाइन भी आपने टोट बैग मंगवाया है
तो भी ये जरूरी है कि आप जिप की क्वालिटी को जरूर चेक करें। और क्योंकि टोट बैग साइज में बड़े होते हैं तो इसलिए आपको टोट बैग के हैंडल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हैंडल का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि जैसे ही वेट बढ़े आपके टोट बैग में, वो मजबूती से आपके बैग को और सामान को होल्ड कर पाए। तो जब भी आप टोट बैग खरीदें, उसे अपने कंधे पर ज़रूर लेकर देखें, ज़रूर देखें कि हैंडल मजबूत है या नहीं। कौन से मटेरियल में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो आपके बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप प्योर लेदर के ऊपर इन्वेस्ट कर रही हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा बजट चाहिए आपको प्योर लेदर का हैंडबैग खरीदने के लिए। लेकिन आजकल आपको मार्केट में फैब्रिक के, जूट के बहुत ही खूबसूरत टोट बैग्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो अगर आपका बजट जो है वो कम है तो आप इस किस्म के टोट बैग्स में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने टोट बैग्स को इंटैक्ट रखने के लिए, वो ये, क्योंकि टोट बैग्स का जो साइज है काफी बड़ा होता है तो वो काफी जल्दी अपनी शेप को लूज कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके की फिलिंग आप देख रहे हैं इस बैग के अंदर, कि आप इस तरीके से फिल करके रखें अपने टोट बैग्स को। अगर आपको लगता है कि आप काफी दिनों के बाद अपने टोट बैग को यूज करने वाली हैं तो आपको हमेशा स्टोर करते वक्त अपने टोट बैग को फिल करके रखना चाहिए। उससे जो आपका टोट बैग है वो अपनी शेप बिल्कुल भी लूज नहीं करेगा और आप उसे लंबे टाइम तक यूज कर पाएंगी और वो आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है साबित होगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगी टोट बैग को खरीदते वक्त भी और टोट बैग को खरीदने के बाद भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके कमेंट ही दिशा देते हैं मेरे चैनल को। और जितने भी हैंड बैग्स मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किए हैं उन सब के लिंक मैंने आपको दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उस सिंगल लिंक पर क्लिक करके आप देख पाएंगे वो सारे प्रोडक्ट्स भी जिन्हें मैंने पहले के अपने वीडियोस में दिखाया है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ पर्सनलाइज सेशन के लिए तो उसके लिए आपको दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म जिसे आप फिल कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।